मैचस्टिक रेस्टोरेंट गोट कुकिंग। एक गांव में रजनीश नाम का एक माचिस का व्यापारी रहता था। एक समय रजनीश का व्यापार बहुत अच्छे से चलता था। मगर समय बीतता गया और कंपटीशन भी बढ़ता गया। तरह तरह के माचिस की कंपनी आने के वजह से उसका माचिस के व्यापार में मुनाफा और सेल्स दोनों बहुत कम हो गए। रजनीश बहुत कोशिश करने के बाद भी माचिस के सेल्स नहीं बढ़ रहे थे। थोड़े दिन के बाद रजनीश की कंपनी बहुत घाटे में चलने लगी। आखिर में खाना भी माचिस के तिलों को जलाकर पकाने लगे। एक बार उसकी पत्नी, क्यों जी, हमारी हालत ऐसे क्यों हो गई जी? आखिर हमें यूं माचिस से खाना पकाना पड़ रहा है। सॉरी, मेरे कारण ही तुम्हें ऐसे परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। आप ऐसे इमोशनल सैंडविच डायलॉग्स बोलना बंद करिए और मुझे सच बताइए, हमें ये समस्याएं क्यों आई है बताओ, शायद मैं कुछ समाधान निकाल सकूं। क्या तुम्हें बताऊं, जो काम मुझसे नहीं हो पाया वो तुमसे हो पाएगा क्या? अरे फूल, अब तक तुमने कौन सा तीर मारा है बताओ? ऐसे बात करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम लोग औरतों को रसोई में बंद रखने के कारण हम यूँ रह गए और तुम जैसे हमें नीचा दिखाने लगे। नहीं तो हम तुम लोगों को कब का हरा देते। ठीक है, वो सब छोड़ो, प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। रजनीश सब जो बीता वो सब बताया। छी, ये भी कोई प्रॉब्लम है क्या? एक महीने के अंदर हमारा व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा देखते जाओ। क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या है? चल हट, हरदम इमोशनल बातें करते रहता है। मार्केटिंग कैसे करते हैं मुझे देखकर सीखो। कल सुबह एक अच्छा सा बकरा लेकर आओ। अब बकरे के गोश्त से क्या करोगी? रे, अपनी बकवास बंद करो और मैंने जो कहा वो काम करो, नालायक कही के। उस रात रजनीश और उसकी पत्नी दोनों मिलकर माचिस के तीली से एक रेस्टोरेंट बनाए। रेस्टोरेंट के बाहर माचिस के तीलों को अच्छे से जमाए। अगले दिन पत्नी के कहे जैसे ही रजनीश बकरे को लेकर आया। पत्नी उस बकरे के गोश्त को अच्छे से धोकर उस माचिस के तीली के ऊपर सजाई। थोड़ी देर के बाद पत्नी, आइए माँ, आइए आइए श्रीमान, आइए, आज से शुरू हो रहा है मैचस्टिक रेस्टोरेंट, अंदर आइए, मैचस्टिक गोट करी का आनंद लीजिए, कहकर पुकारने लगी। रास्ते पे चलते सारे लोग, अरे ये तो लाजवाब है, माचिस की तीली से रेस्टोरेंट तैयार करके उसके ऊपर खाना पका रहे, उसका स्वाद कैसा रहेगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। सोचकर उस रेस्टोरेंट को आने लगे। मैचस्टिक गोट करी खाकर सब लोग, वाह सुपर, ये तो बहुत अच्छा है और स्वादिष्ट भी है, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सब मैचस्टिक्स की महिमा है। एक जमाने में लोग लकड़ी के चूल्हे पर पकाते थे ना, उसी स्टाइल में हमने पकाया है, मगर इससे धुआं कम निकलता है और पकाना भी आसान है। आप भी ट्राई करिए, पकाए तो स्वाद के साथ साथ सेहत भी मिलेगा। ऐसे वहाँ आए सारे लोग रजनीश के पास मैचस्टिक्स खरीदने लगे। थोड़े दिन के बाद बगल के गांव से भी ऑर्डर्स आने लगे और वो लॉरी भर के मैचस्टिक्स डिलीवरी करने लगा। ऐसे सिर्फ एक महीने में ही रजनीश सारे माचिस के तीलियों को बेच दिया। रजनीश की पत्नी का आइडिया के वजह से माचिस का व्यापार फिर से चलने लगा। मैजिकल मनी ट्रैक्टर टॉय। एक गांव में चिंटू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। चिंटू के पिता मिट्टी से खिलौने तैयार करके उन्हें बेचता था। एक बार चिंटू अपने दोस्तों से खेल रहा था। चिंटू रमेश से, रे रमेश, तुम्हारा ट्रैक्टर टॉय बहुत अच्छा है रे, एक बार मुझे दो ना, मैं भी खेलता हूँ। ठीक है, ये लो। ऐसे वे दोनों उस ट्रैक्टर से खेल रहे थे। इतने में रमेश के पिता वो देखकर उनके पास आया। क्यों रे, तुम्हारी कितनी हिम्मत, मेरे बेटे के खिलौनों से खेलोगे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे घर के पास मत आओ कहकर। और रमेश की तरफ देखते हुए, रे रमेश, ऐसे गरीब लोगों से तुम क्यों खेल रहे हो, तुम पहले अंदर जाओ, कहकर जोर से डांटा और रमेश को घर भिजा दिया। उसके बातों से चिंटू बहुत दुखी हुआ। उस शाम चिंटू अपने पिता से जो भी था वो सब बताया।
बेटा हम गरीब जरूर हैं, मगर हम भी उनके जैसे ही इंसान हैं। खिलौने उनके पास ही नहीं, हमारे पास भी हैं। कहकर पिता चिंट को एक मिट्टी का ट्रैक्टर बना कर दिया। चिंटू इस मिट्टी के ट्रैक्टर को लेकर, आई पिताजी ट्रैक्टर टॉय बहुत अच्छा है, थैंक यू पिताजी। कहकर अगले दिन चिंटू रमेश से, रे रमेश परसों तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारे खिलौनों से खेलने मना किया था ना, ये देखो ये मेरा खिलौना है, चलो इसके साथ खेलते हैं। सॉरी चिंटू, मेरे पिताजी ने तुमसे मिलने के लिए भी मना किया है, गलत मत सोचना। कहकर दुखी होकर वहाँ से चला गया। चिंटू ठीक है कहकर अपने बाकी दोस्तों के साथ खेलने के लिए सोचा, मगर वो जहाँ भी जाता वहाँ उससे हर कोई खेलने के लिए मना कर रहा था। चिंटू बहुत दुखी हुआ, एक पेड़ के नीचे बैठकर दुखी हो रहा था। तभी एक स्वामी जी वहाँ आए। क्या हुआ बेटा, वाई सो सैड? चिंटू जो भी था वो सब बताया। अगर हमारे पास पैसे रहे तो पहाड़ पर बैठे बंदरिया भी आकर हमारे इशारे पर नाचेगी। वो कैसे स्वामी जी? बोलता हूँ बेटा, अब से तुम जहाँ भी अपने ट्रैक्टर के खिलौने से खेलोगे वो जगह पूरा पैसों में बदल जाएगा। तुम जितना देर खेलोगे उतना देर वहाँ पैसा रहेगा। तुम जब वो जगह छोड़कर चले जाओगे तब वो जगह भी साधारण स्थिति में आ जाएगी। कहकर आशीर्वाद देकर चला गया। अगले दिन चिंटू अपने घर के पास ट्रैक्टर के खिलौने से खेल रहा था। वो घर एक मनी हाउस में बदल गया। उसे देखकर चिंटू के पिता आश्चर्य में पड़ गए। चिंटू तब पिताजी को जो भी था वो सब बताया। चिंटू के पिता बहुत खुश हुए। थोड़े देर के बाद चिंटू ट्रैक्टर को लेकर रोड के पास खेलने लगा। तब वो रोड सारा पैसों के रोड में बदल गया। रोड के ऊपर चल रहे लोग, पैदल चल रहे लोग, साइकिल पर जा रहे लोग, मोटरसाइकिल पर चलने वाले सारे लोग, वो रोड सारा पैसों के रोड में बदलते देख आश्चर्य में पड़ गए। उस गांव के लोग इस बात को जानकर चिंटू के पास आकर, चिंटू इस शाम हमारे घर आना, हम तुम्हें बहुत सारे खिलौने देंगे। रमेश का पिता आकर, चिंटू तुम और रमेश दोनों अच्छे दोस्त है ना, अब से मैं कोई शर्त नहीं लगाऊंगा, एक बार मेरे घर आकर खेलो। कहकर सब लोग उसे बुलाने लगे। आज मुझे आप सब लोग बुला रहे हैं, मगर थोड़े दिन पहले आप ही लोग मुझसे चिढ़ते थे, ऐसा क्यों? अगर मैं आपके घर आए तो आपको पैसे मिलेंगे, इसी वजह से मुझे बुला रहे हो ना? मैं नहीं आऊँगा, मैं हमारे घर में ही खेलूँगा, आप लोग जाइए। तब गांव वालों को अपने किए गलती का एहसास हुआ और वो वहाँ से चले गए।